कई बार होता यह है कि जो लोकल सिम प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जो सिम बेचते हैं, जी हाँ कई जो दुकानदार होते हैं जो सिम बेचते हैं, तो होता यह है कि आपके ही आईडी पर वो सिम दूसरे को बेच देते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसे आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि जिसे वो सिम बेचते होते हैं, तो जो अगर अगला व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि आपको जेल की जाने की नौबत पड़ सकती है। तो भाई आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके आईडी पर फर्जी सिम अगर किसी ने भेज दिया है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर कहाँ है, वो व्यक्ति कौन है, और हाँ गई साथ में आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं, बंद भी करवा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। और हाँ गई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें जिससे कि आपको वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो। तो चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल टेक्विजन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखते रहें। हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने आज की इस फ्रेश वीडियो में। तो गाइस जैसे कि अगर आप नया सिम लेने जाते हैं तो जो लोकल सिम प्रोवाइडर होते हैं तो वो आपसे आईडी के तौर पे, जी हाँ गाइस, आईडी प्रूफ आपको मांगते हैं, जो कि जैसे कि आधार कार्ड हो गया, निर्वाचन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो गाइस इस तरह से आपको आईडी प्रूफ मांगते हैं और साथ में आपका फ़ोटो भी लेते हैं जिससे कि आपको वो नई सिम दे देते हैं। तो होता क्या है कि वो करते हैं क्या कि जो आपका आईडी कार्ड होता है वो आईडी कार्ड अपने पास रख लेते हैं, जैसे कि फ़ोटो करा कर रख लेते हैं, और वो किसी दूसरे को आपके ही आईडी पर नया सिम दे देते हैं। तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जैसे कि आपके ही नाम पे, आईडी के नाम पे अगर आप किसी को भी वो सिम देते हैं, अपराध वो करता है, तो इससे आपको जेल हो सकती है। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पे सिम आईडी कौन चला रहा है और इसे ब्लॉक कर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा कि दूर संचार विभाग जो होती है उसने एक नया पोर्ट लॉन्च किया है, tabcorp.digitelecom.gov.in। जी हाँ गाइस, ये है दूर संचार विभाग की पोर्टल वेबसाइट जिसके जरिए आप अपने आईडी के नाम पे जो सिम फर्जी चल रहा है इसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। तो गाइस इसका प्रोसेस ये है कि जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसका 10 अंक यहाँ का आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे आपके जो सिम होता है आपके आईडी के आपको पूरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी आपके कि आपके आईडी पे कितनी सिम चल रहा है और कहाँ कहाँ सिम चल रहा है, कौन कौन चला रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं और साथ में आप इसे ब्लॉक करवा सकते हैं कि आपकी आईडी पे अगर कोई फर्जी सिम चला रहा है तो आप इसे आसानी से ब्लॉक करवा सकते हैं। एक जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो tabcorp.digitelecom.gov.in की जो पोर्टल वेबसाइट है, जी हाँ गाइस, ये भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में इसका सर्किल रोल आउट किया गया है। और हाँ गाइस कुछ दिनों में ये जो भारत के अन्य शहरों में भी इसका जो सर्किल है वो रोल आउट किया जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके ही नाम से अगर कोई आईडी जो फर्जी सिम चला रहा है आपके नाम से, तो आप किसी से ब्लॉक कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जो आईडी होता है आपके आईडी या नाम से कितने सिम चल रहे हैं। तो आई होप कि आपके वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो गाइस लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।